की सचिन में मैं और सलीमा मेरे साथ है। हरी आज हम दो हैं, हम दोनों से ही काम चला रहे हैं। अच्छा तो आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं किस पे? देवाश्री गणेशा ऐसे कुछ गाना था शायद, और जो है अग्निपथ। अग्निपथ प्रियंका और ऋतिक की थी। सो हम स्टार्ट करते हैं। पुराना है 2013 का वैसे। Thank you.
अच्छी मूवी थी ऐसी, मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर ये मूवी वैसे सीरियसली नो डाउट बहुत अच्छी थी, देखना जरूरी है। यही मैंने सुना तो था कि जब ये आई थी तो वो बहुत ज्यादा चली थी, लेकिन क्या ये पता नहीं शायद मुझे टाइम नहीं मिला या क्या, मेरी स्टोरी क्लिक नहीं हो रही है, मगर सीरियसली मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी थी। दोबारा मौका मिलेगा तो जरूर मैं देखूंगी, कैसे क्यों नहीं। खैर बहुत अच्छी है ये वैसे ना, नो डाउट इनका जो पूरा ये छोटे छोटे जो इनकी ओकेजन्स वगैरह इवेंट्स होते हैं ना, बहुत अच्छी होती है यार, बिल्कुल लाइक कलरफुल होता है कि सबको जोड़ के रखता है एक दूसरे के साथ, नए आपके आसपास की सारी जो नेगेटिविटी होती है ना उसको दूर करने के लिए। तो हमको भी यानी ना सीरियसली यानी हमको भी ऐसा मौका चाहिए कि हम भी ये ना एंजॉय कर सके और उनकी इवेंट में जा सके। हमारे यहाँ पे भी नो डाउट बहुत है, काफ़ी ऐसे हिंदू हैं, बट ये कि हम इतने दूर दूर हैं या कोई ज़्यादा करीब भी नहीं कि हम लोग उनके इवेंट में जा सके और बात कर सके। इनके जो फेस्टिवल्स होली हो गई, दिवाली हो गई, मतलब इनफैक्ट मेरी मम्मी खुद इंडिया से है तो वो भी बता रही होती है, तो वहाँ पर लोग खुद जो है ना उनके साथ इंजॉय कर रहे होते हैं। प्लस इनके जो गीत हम पता नहीं क्या बोलेंगे लेकिन वो भी बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे ये वाला था राम राम हरे हरे, मतलब बहुत मजा आता है लिटरली सुनकर, बहुत मजा आता है। यानी इसमें भी एक ना सुनने में भी एक पीसफुल सी यानी आपके माइंड को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा एंड रिलैक्स वाला माहौल होता है, और ये कि ना सारी खुशियाँ वाली इन्वायरमेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं हमारे सारे सब्सक्राइबर को भी ना ये हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा, कैसे नहीं लगा होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा। सो गाइज अगर आप लोग को हमारा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।